दिल्ली में आबकारी नीति की सीबीआई जांच के आदेश पर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ठन गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को फंसाने की साजिश है। इतना ही नहीं, भाजपा पर निशाना साधते हुए केजरीवाल अपनी मर्यादा भी भूल बैठे। क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, आप भी सुनिए। तो जेल से हमें डर नहीं लगता, हम इनको थोड़ा सा ये लोग समझ लें कि इनको इनको लगता होगा, जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी थी, हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता, कई बार जेल हुआ है हम लोग। केजरीवाल ने कहा कि वो सावरकर की और हम भगत सिंह की औलाद हैं, यानी कि बीजेपी सावरकर की औलाद है और आम आदमी पार्टी भगत सिंह की औलाद है। केजरीवाल ने आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बोलते हुए कहा कि मैं सिसोदिया को 22 साल से जानता हूँ, वे देशभक्त और ईमानदार आदमी है। गौरतलब है कि यही केजरीवाल कुछ समय पहले सत्येंद्र जैन के निर्दोष होने के सबूतों की बात भी करते सुनाई दिए थे, लेकिन आज वही सत्येंद्र जैन जुडिशियल कस्टडी में बैठे हैं और कोर्ट की तरफ से भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, इन्हीं सत्येंद्र जैन को केजरीवाल पद्म विभूषण दिए जाने की मांग भी करते सुनाई दिए थे। आप खुद ही सोचिए केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की मानसिकता क्या है। केजरीवाल के, सावरकर और भगत सिंह के बयान पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। न्यूज डेस्क, जनहित टाइम्स।